ऐसा चैप्टर है जिसका यूज पूरे थ्रू आउट द मैकेनिक्स आपको यूज करना पड़ेगा ठीक है ना सो so, ध्यान से सुनना क्या क्या है प्रॉपर्टीज वेरियस प्रॉपर्टीज क्या है क्या क्या काम में आती है और कितने कितने काम में आती है कब कब आपको काम में आएंगी तो आप सुनो और इसको एकदम दिमाग में सेट कर लो ठीक है ना प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल बताने से पहले आपको एक चीज से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं वो है कि डिवीजन हाँ, आपको सबको लग रहा होगा कि डिवीजन से इंट्रोड्यूस विच इज वन बाई टूज डिवीजन आपको लगता होगा कि दिस इज स्टूपिडिटी हमने तो बचपन से डिवीजन समझाया हुआ है नहीं ऐसा नहीं है इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताने वाला हूँ डिवीजन का मतलब जो है आप बस सुनो डिवीजन का मतलब है कि अच्छा ये ये जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ ना ये कहीं पे लिखी हुई नहीं है ये मैंने खुद सोची है जब मैं प्रैक्टिस करा था, तो मैंने खुद निकाला था निकाला था मतलब क्या मैंने खुद समझा था ताकि चीजों को समझने में हेल्प आए तो वही मैं आपको बताने वाला हूं कि देखो जब हम वन डिवाइड बाई टू करते हैं उसका सिंपली मीनिंग है फिफ्टी परसेंट है ना वन बाई टू इज फिफ्टी परसेंट या फिर जीरो पॉइंट फाइव इसको और एक तरीके से देख सकते हैं वन बाई टू को वो है कि जो मैंने सोचा वो है के वट इज द वैल्यू ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू समझ में आया इसका मतलब है कि वन का वैल्यू कितना है विथ रेस्पेक्ट टू 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 के रेस्पेक्ट में वन का वैल्यू कितना होता है वो होता है इसका आधा विच इज 50 परसेंट या जीरो पॉइंट फाइव समझ में आया वन का वैल्यू कितना है विथ रेस्पेक्ट टू टू का वैल्यू इसके वैल्यू के रेस्पेक्ट में इसका वैल्यू कितना है ये इसका आधा है इसीलिए 50 परसेंट है ना समझ में आया ना हाँ आई होप समझ में आया होगा वन का वैल्यू कितना है विथ रेस्पेक्ट टू टू का वैल्यू फिफ्टी परसेंट ठीक है ना ठीक है इसको याद रखना आई होप क्लियर हो गया होगा इसको याद रखना इस काम में आएगी इस चैप्टर में काम ही आएंगे हाँ तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में वेरियस प्रॉपर्टीज हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी आपको समझ लेनी है क्योंकि ये आपको थ्रू आउट द दॉइल मैकेनिक्स काम में आएंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वाटर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वाटर कंटेंट फाइव स्टार फाइव स्टार वाटर कंटेंट क्या है इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू डब्ल्यू भी स्मॉल डब्ल्यू ठीक है ना क्योंकि तो बड़ा डब्ल्यू क्या होता है सॉइल so, मैकेनिक्स में वेट रिप्रेजेंट करता है ठीक है याद ना याद रखना इसको बड़ा डब्ल्यू जब भी आएगा जब भी मतलब अगर तो बड़ा जो है, वो आपको वेट रिप्रेजेंट करता है ठीक है? और इसका जो फॉर्म सॉरी uh, इसका जो डेफिनेशन है वो है वट इज द वेट ऑफ वाटर मैं पूरा डेफिनेशन रहा हूँ वेट ऑफ वाटर वट इज द वेट ऑफ वाटर टू द ऑफ सॉलिड्स ठीक है ना वेट ऑफ वॉटर टू सॉलिड्स अच्छा याद है ना हमने जो सॉइल uh, बनाया था पिछले लेसन में ये रहा यहां पे सॉलिड है वाटर एंड एयर दिस इज वेट ऑफ सॉलिड वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ एयर विच वॉज जीरो फिर वॉल्यूम ऑफ एयर जो जीरो नहीं कर सकते वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ये हमने क्रिएट किया था तो इसमें जो है आप देखो व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर द वेट ऑफ सॉलिड्स वेट ऑफ वाटर द वेट ऑफ सॉलिड्स मतलब अभी जो मैंने आपको बताया वाटर सॉरी सॉलिड का जो वेट है उसके रेस्पेक्ट में वाटर का वेट कितना है समझ में आया सॉलिड के वेट के रेस्पेक्ट में नॉट ऑन इट्स वॉल्यूम इट इज वेट वॉटर कंटेंट जो है वेट 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 ऑफ वॉटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है तो सॉलिड का जो वेट है और वाटर का जो वेट है इन दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है और हमको चाहिए व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू द वेट ऑफ सॉलिड्स और जो चीज आपको याद रखनी है वेट ऑफ water इन द वेट ऑफ सॉलिड दे आर नॉट रिलेटेड ये चीज आप बस याद रखो तो फिर आपको जो है वाटर कंटेड में दिक्कत ही नहीं आएगी कैसे बताता हूं वेट ऑफ वाटर जो है बाय द वेट ऑफ सॉलिड्स तो हमको क्या चाहिए क्योंकि ये नॉट रिलेटेड आप सोचो ना आपके पास ये सॉइल है तो सॉइल में कुछ पोर्शन वॉटर है कुछ पोर्सन सॉलिड्स है इन दोनों का जो वेट है वेट जो है क्या वो एक दूसरे पे रिलेटेड है क्या नहीं है इसका वेट कुछ अलग हो सकता है इसका वेट कुछ अलग हो सकता है है ना तो इन दोनों से मेरे कोई रिलेशन नहीं है वेट ऑफ वाटर द वेट ऑफ सॉलिड्स तो सिंस दे आर नॉट रिलेटेड हमको काम में आएंगे क्या काम में आएंगी आपको जो हमेशा पूछा जाता है वाटर कंटेंट के बारे में वो है कि जीरो जीरो टू हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट एंड ग्रेटर देन हंड्रेड परसेंट देखो क्या ये जीरो हो सकता है जीरो मतलब क्या ये वाला पोर्शन जीरो दिस पोर्शन इज जीरो क्या हो सकता है कि सॉलिड का वेट हो सॉइल में वाटर का वेट ना हो. हो सकता है क्यों हो सकता है अगर ड्राई सॉइल हो है ना इसमें सिर्फ एयर है हमारे पोरोसिटी मतलब पोर्स के अंदर वॉइड नहीं है ऐसा नहीं बोला गया है हमको बोला गया है कि उसमें वेट ऑफ वाटर नहीं है वाटर का भी वेट नहीं है वाटर का वेट नहीं है मतलब क्या उसमें जो पोर्स हैं सॉइल के अंदर उसमें फिर क्या प्रेजेंट होगा एयर प्रेजेंट होगा सिर्फ ठीक है ना और अगर सिर्फ एयर प्रेजेंट होगा वाटर अगर नहीं है सिर्फ उसमें एयर है सिर्फ एयर है वाटर नहीं है सिर्फ एयर है तो क्या होगा सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड रह जाएगा और वो जो सॉइल है उस सॉइल को क्या बोलते हैं हम लोग ड्राई सॉइल है ना और दिस इज दिस इज पॉसिबल है ना जीरो परसेंट okay, uh, है जीरोज पॉसिबल जीरो पॉसिबल वाटर कंटेंट हो सकता है क्या वेट ऑफ वॉटर टू द वेट ऑफ सॉलिड ऐसा हो सकता है कि वेट ऑफ सॉलिड जो है अगर हंड्रेड परसेंट का मतलब क्या है वेट ऑफ वाटर जो है वो भी सेम है

क्योंकि तो ये जो पोर्शन है ना बहुत सारे यूज आते हैं इस पोर्शन से कि वाटर कंटेंट इतना हो सकता है क्या डिग्री ऑफ सेचुएशन इतना हो सकता है क्या या फिर इस ये जो ये तो आते ही है आप इसका डेफिनेशन बताओ ये भी बहुत बहुत पूछे जाते हैं कि पॉसिबल है कि है नहीं है है ना तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पॉसिबल है कि नहीं है और पॉसिबल है कि नहीं है ये समझने से पहले आपको ये जो डेफिनेशन है ये अच्छे से समझना पड़ेगा ठीक है ना आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हंड्रेड परसेंट पॉसिबल है क्यों पॉसिबल है वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड क्यूब कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों में और क्योंकि इन दोनों में रिलेशन नहीं है इसका वेट कुछ भी हो इसका वेट कुछ भी हो और कुछ भी हो मतलब हंड्रेड के लिए सेम भी हो वो भी पॉसिबल है और वेट ऑफ और ग्रेटर देन हंड्रेड परसेंट मतलब ये ज्यादा हो इसका जो वेट है वो ज्यादा हो और सॉलिड का वेट कम हो वो भी पॉसिबल है ये भी पॉसिबल है है ना सो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि वाटर कंटेंट में ये ये चीजें हैं जो आपको समझनी है ठीक है ना तो so, इसको इरेज कर देता हूं सही सो so, जब हम वाटर कंटेंट को स्टडी करते हैं और हमारे पास है हंड्रेड परसेंट ठीक है तो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हैं अब इन दो पॉसिबिलिटीज को याद रखो क्या पॉसिबिलिटीज है पहली पॉसिबिलिटी है कि दो सॉयल है हमारे पास अब देखो दो सॉयल है हमारे पास जब हमारे पास वाटर कंटेंट हंड्रेड परसेंट है ना हंड्रेड परसेंट वाटर कंटेंट का मतलब वेट ऑफ वाटर द वेट ऑफ सॉलिड सेम सेम मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं दिस इज टू के दिस इज ऑल्सो टू के जी ये भी दो के जी सॉलिड है दो के जी वॉटर है आपका जो सॉइल है उसके अंदर दो के जी सॉलिड है और दो के जी वॉटर है यहां पे भी दो के जी सॉलिड है और दो के जी वॉटर है ठीक है मैंने एग्जाम्पल लिया दो के जी सॉलिड है दो के जी वॉटर है दो के जी सॉलिड है दो के जी वाटर है हमारे पास जब हंड्रेड परसेंट वाटर कंटेंट है हमारे पास कोई मतलब कोई कैलकुलेशन का कोई कुछ पैरामीटर है ही नहीं कि हम समझे ऐसा कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम समझे उसमें एयर कितना है समझ में आया जब हमारे पास वाटर कंटेंट हंड्रेड परसेंट है तो वाटर कंटेंट हंड्रेड परसेंट का मतलब दो के जी सॉलिड दो के जी वॉटर टू के जीज ऑफ सॉलिड एंड टू केजीज ऑफ वाटर टू के जी सॉलिड टू के जी वाटर मगर एयर उसमें है कि नहीं उसमें हमको समझने का ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं कि तो उसमें एयर है कि नहीं ठीक है ना सो वाई दिस इज इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर ये जो सॉइल है दिस इज ए लेट इट बी ए लेट दिस इज सॉइल बी अब अगर हमारे पास ये जो चीजें हैं ना अच्छा आप क्या करो ये मैं अगर आपको ये अभी समझाऊंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा आप इस चीज का एक स्क्रीन ले लो यही चीज मैं आपको दूसरे आ, कुछ देर बाद डिग्री दि, ऑफ सेचुरेशन बताऊंगा तो यही वाला चीज जो है ये वाला जो चीज है यह, दिस इज इंपॉर्टेंट तो यही वाला चीज जो है मैं आपको तब करके बताऊंगा और फिर मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि अगर मैं आपको अभी समझाने गया विदाउट नोइंग द डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको क्या ना समझ में नहीं आएगा तो आप इसको याद रखो मैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन में फिर आता हूं इसको लेके और याद रखना क्या कि वेट ऑफ वाटर सॉरी वाटर कंटेंट जो है जब हंड्रेड परसेंट होगा बट बस दो पॉसिबिलिटीज हैं ये सॉइल ए और सॉइल बी टू के जीस टू केजीस टू केजीस टू केजीस एंड समथिंग एयर एंड नो एयर ठीक है ना ठीक है सो वाटर कंटेंट इरेज करते हैं अब आते हैं और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है सॉरी का पैरामीटर विच इज कॉल्ड एस वाइड रेशियो नंबर टू दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ई ठीक है ना वाइड रेशियो This is important. This is also important 4 star 4.5 star actually A was important. So, void ratio what is the definition of void ratio? Void ratio is volume of voids to the volume of सॉलिड्स ये वॉइड रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मतलब क्या आपका जो सॉइल था ना मैंने आपको बताया था ना कि आपका जो सॉइल है सॉरी ये सॉइल नहीं ये तो फेज डायग्राम है ये नहीं ये वाला जो सॉइल है आपका ये वाला सॉइल इसमें क्या प्रेजेंट होता है सॉलिड्स है ना और सॉलिड्स के बीच बीच में क्या प्रेजेंट होता है वाइट्स तो ये जो व्हाइट है ये जो वाइट्स हैं ये वाले वर्ट्स ये वाइट्स, ये वाइट्स, तो ये जो वाइट्स हैं इनमें क्या प्रेजेंट हो सकता है एयर वाटर या फिर एयर वाटर है ना एयर या वाटर या एयर वाटर कहां पे सॉलिड्स के अलावा अदर देन दी सॉलिड्स जो भी पोर्शन विच इज लेफ्ट इन द सॉइल वहां पे क्या प्रेजेंट हो सकता है या तो एयर या वाटर या एयर वाटर बोथ तो वहीं पे उनको उसको कहते हैं सॉलिड सॉरी उसको कहते हैं वाइट्स तो उन वाइट्स की बात चल रही है यहां पे किन किन दो चीजों की बात चल रही है दिस इज वॉल्यूम बोथ ऑफ दीज आर वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वॉट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के रेस्पेक्ट में कितना आपका जो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है ना मैं इतना ज्यादा फोर्स आपको इसलिए कर रहा हूं डेफिनेशन समझाने में क्योंकि बहुत सिंपल है लगता बहुत सिंपल है तो तो, पर क्या होता है ना ये वॉल्यूम सॉलिड्स वर्ड्स इनमें कंफ्यूज हो गया ना क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं तो ज्यादा टाइम इन इस चैप्टर को समझने में दो जितना आप इस चैप्टर को समझने में टाइम दोगे ना फ्यूचर में आपका सॉइल ज्यादा सिंपल हो जाएगा ठीक है ना सो तो आप इस, इस चैप्टर को ऐसा मत सोचो कि यार सिर्फ यही तो है बस मुझे याद करके चला जाऊंगा वो, वो आग बनकर नहीं होता है यार ऐसा नहीं होता है ऐसा करोगे ना तो बाद में जाके आपको रियलाइज होगा कि सॉइल मैकेनिक्स में कुछ कुछ चीजें हैं अगर मैं उसको ऐसे पढ़ लेता तो तब आपको फील में आएगा कि यार सेकेंड चैप्टर जो अच्छे से पढ़ लेता तो अभी ये वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से हो जाता ऐसा नहीं आप अभी टाइम जितना ज्यादा दे सकते हो इस चैप्टर को दो जितना ज्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इस चैप्टर का क्वेश्चन ना उतना ही आपका सोल्व मैकेनिक्स फ्यूचर में उतना अच्छा होने लगेगा ठीक है नेवर माइंड सो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स जो है वॉल्यूम ऑफ सॉरी जो सॉइल है सॉइल के अंदर जो वर्ड्स है उस वॉइड्स में तीन चीजें प्रेजेंट मतलब दो चीजें प्रेजेंट हो सकती है एयर और वाटर या फिर बोथ कलेक्शन ऑफ एयर एंड वाटर तो उन जो वॉइड्स है उसका दो पैरामीटर्स है एक तो उसका वॉल्यूम है एक तो उसका वेट है तो हम उसके वेट की बात नहीं कर रहे हैं तो हम उसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ठीक है ना याद रखना इन चीजों को देखो क्योंकि मेरे को पता है ना मैंने भी <laughs> पढ़ाई किए तो किस किन चीजों में आपको प्रॉब्लम आ सकती है वही चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं देखो यार, आ, आ, सो हमारे पास सॉइल है सौयल के अंदर दो चीजें हैं सॉलिड्स और वॉइड्स वॉइड्स के अंदर दो चीजें हैं एयर या वाटर और इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है ठीक है ना और ये जो एयर वाटर प्रेजेंट है या फिर सॉलिड प्रेजेंट है इनके दो स्टडीज होते हैं एक है इनका वेट का स्टडी एक होता है इनका वॉल्यूम का वॉल्यूम का स्टडी ठीक है ना वेट का स्टडी और वॉल्यूम का स्टडी हम अभी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो उसका वॉल्यूम का स्टडी का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम जो पिछले स्लाइड पे जो हमने कैलकुलेशन किया था वो उसके वेट का स्टडी किया था ठीक है ना वेट ऑफ वाटर द वेट ऑफ सॉलिड्स इज कॉल्ड एज वाटर कंटेंट सो हम भी क्या देखेंगे वॉयड रेशियो इज द वॉल्यूम ऑफ वॉयड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ठीक है अभी क्या का क्या देखते हैं वाइट रेशियो का क्या ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ सॉलिड अभी देखो क्या देखो हाँ सो जीरो दिस इज जनरली रिप्रेजेंटेड इन फ्रैक्शन ठीक है ना फ्रैक्शन का मतलब जीरो टू वन टू वन में ही ज्यादातर ये रिप्रेजेंट किया जा सकता किया जाता है इसको हम मतलब जीरो से हंड्रेड परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मगर वाइड रेशियो जो है जनरली फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया जाता है सो जीरो टू वन वन एंड ग्रेटर देन वन देखो जीरो सबसे पहली चीज जीरो जीरो का मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज जीरो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज जीरो वीडियो को पॉज करो और सोचो क्या ये जीरो पॉसिबल है वॉइड रेशियो क्या पॉसिबल है जीरो पॉज करो सोच लिया आई होप आपको समझ में आया होगा जीरो जो है अगर वॉइड रेशियो मैंने कहा कि जीरो जीरो का मतलब वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स जीरो पहली चीज क्या वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स क्या जीरो हो सकती है नहीं हो सकती दिस इज नॉट पॉसिबल क्यों नॉट पॉसिबल क्योंकि के अंदर मैंने क्या बोला सॉलिड्स के अलावा भी जो जो एम्प्टी स्पेस रहता है उसको हम वॉइड्स कहते हैं है ना तो so वॉइड्स में एयर वाटर और एयर वाटर प्रेजेंट हो सकते हैं तो उन वॉइड्स अगर सोचो कि ये जो सॉइल है इसमें वॉइड्स ही नहीं है मतलब सॉलिड्स आर सो डेंसली पैक्ड कि उनमें वर्ड्स ही नहीं है सो so, क्या वो सॉइल है नहीं सॉइल ही नहीं है वो क्या है रॉक इज रॉक द वाइट रेशियो इज जीरो इट इज नॉट अ सॉइल इट इज अ रॉक जिसमें अगर वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है ही नहीं उसमें वर्ड्स है ही नहीं तो क्या होगा इट इज जीरो है ना इट इज जीरो तो इस ये जो है इसको रॉक कहते हैं इसको सॉइल नहीं कहते फिर वो सॉइल नहीं रहेगा रॉक बन जाएगा क्योंकि रॉक जो है रॉक जब टूटता है तो ही वो बिखरता है एक प्लेस पे जुड़ता है वर्ड उनमें होते हैं इसी को हम सॉइल कहते हैं और जो नहीं रहता इसको हम रॉक कहते हैं ठीक है सो वाइड रेस्यू जीरो नॉट पॉसिबल

इसकी वॉल्यूम से इसका क्या लेना देना कोई लेना देना ही नहीं है है ना दिस इज पॉसिबल और ग्रेटर देन वन सोचो तो ग्रेटर देन वन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज्यादा हो जाए और सॉलिड्स कम हो जाए हो सकता है क्या हाँ हो सकता है क्यों नहीं हो सकता वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज्यादा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कम है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कम है है ना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बेस पर हमने जो है वॉल्यूम ऑफ वाइट्स को स्टडी किया तो हमने क्या देखा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का कोई रिलेशन नहीं है ये अपने इट इज ऑन इट्स ओन द वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इज ऑन इट्स ओन एंड द सॉलिड्स एंड द सॉलिड वॉल्यूम एंड द सॉलिड वेट इट इज ऑन इट्स ओन इनमें कोई रिलेशन क्योंकि नहीं है इसीलिए कुछ भी हो सकते हैं है ना सिर्फ ये जीरो नहीं हो सकता क्यों जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये सॉइल ही नहीं रहेगा जीरो रॉक हो जाएगा दिस इज ऑल्सो पॉसिबल ठीक है सो दिस इज द वाइड रेशियो ठीक है मैं इरेज कर देता हूं फिर अब देख लो सो so, अभी हम जो चीज देखने वाले हैं ना दैट नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट मगर कभी कभी कोई एमसीक्यू जा तो, आ जाते हैं इसमें तो थोड़ा सा हटके जो चैप्टर है उस चैप्टर से थोड़ा सा हटके मगर थोड़ा छोटा सा एक टॉपिक है देख लो फोर थिंग आर देयर फोर टाइप्स ऑफ सॉइल सॉइल नहीं फोर टाइप्स ऑफ सॉइल आर देर तो नहीं क्योंकि लास्ट so, so, सीक्वेंस बता दूंगा आपको तो आपको याद रह जाएगा उतना कंफ्यूजन नहीं होगा तो क्या होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मतलब कोई भी एक चूज करेगा और चूज करने के बाद आपको उससे क्वेश्चन दे देगा डायरेक्टली इसमें इसमें आप क्वेश्चन नहीं पूछेगा मगर इनका यूज करके कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना एक्वी एक्वी टार्ड एक्वी क्लूड एंड एक्वी फ्यूज ठीक है एक्वी एक्वी टार्ड एक्वी क्लूड एंड एक्वी फ्यूज So, मैंने आपको बताया पोरस पोरोसिटी मतलब सॉइल के अंदर कितने पोर्स हैं ये तो सॉलिड्स हैं सॉलिड्स के अलावा जो भी आपका वाइट प्रेजेंट है ना सॉइल में दीज आर वैकेंट स्पेसिस और इन वैकेंट स्पेसिस को पोरोसिटी भी कहते हैं पोर्स मतलब छेद है ना तो द वैकेंट पोर्स और जितने ज्यादा सॉइल में पोर्स होंगे हम कहते हैं कि दॉल इज मोर पोरस जितने ज्यादा होते हैं जितने सॉरी जितने ज़्यादा उसमें होते हैं उनको हम कहते हैं soil is more porous. और और एक चीज जो है विच इज कॉल्ड एज परिटी परिटी का मतलब क्या परमिबिलिटी का मतलब कितना पास करवा सकता है इनमें से जो सॉइल है इसमें से कितना ये वाटर पास करवा सकता है वाटर यह कोई भी चीज जो इस सॉइल से होकर गुजर सकती है परमिएबल कितना ये परमिट करता है ठीक है ना इसके अंदर से कोई भी चीज ज्यादातर जनरली वाटर जो सॉइल है ये वाटर कितना परमिट करता है इसके अंदर से और ये जो सॉइल है ये जो वाटर परमिट करेगा अपने अंदर से कहां से करेगा सॉलिड के अंदर से तो करेगा नहीं कहां से करेगा ये जो वाइट्स हैं इन वाइट्स को ढूंढेगा और उन वाइट्स के अंदर से फिर वो निकलेगा वर्ड्स को ढूंढ के वर्ड्स के अंदर से निकलेगा है ना सो so, रीजन क्या है रीजन है कि हमको की चाहिए क्योंकि वो जो चीज है जितना ज्यादा आपके सॉइल के अंदर पोर्स होंगे जितना ज्यादा आपके सॉइल के अंदर वर्ड्स होंगे उतना ही ज्यादा ये जो सॉइल है वो परमिएबल होगा है ना जितने ज्यादा पोर्स होंगे जितने ज्यादा वैकेंट स्पेसेस होंगे उतना ही ज्यादा वो परमिट होगा वो जो वाटर है उतना ज्यादा परमिट होगा और एक चीज कि जितने बड़े बड़े आपके पोर्ट्स होंगे छोटे छोटे पोर्ट्स जितने बड़े पोर्ट्स होंगे उतना ज्यादा इजीली वो जो वाटर है वहां से वो फ्लो करेगा है ना ये दो चीजें याद रखना क्योंकि तो हमको यहां पे काम में आने वाली है पोरोसिटी एंड परमिबिलिटी समझ में आया ना पोरोसिटी का मतलब कितने ज्यादा पोर्ट्स है और परमिबिलिटी का मतलब कितना वो पास करवाएगा वाटर अपने अंदर से जनरली वाटर जनरली क्या वो वाटर ही पास करवाता है और करवाता ही क्या है तो एक्वी क्या है पोरस एंड परमीएबल पोरस एंड परमीएबल एक्वी टार्ड पोरस, पोरस एंड लेस परमीएबल पोरस अच्छा तो एक्वीट क्या है पोरस और एक्वीफर्ट से थोड़ा सा लेस परमिएबल ठीक है ना एक्वीक्लूड पोरस बट नॉट परमिएबल ठीक है एक्वीक्लूड क्या है पोरस बट दिस इज नॉट परमिएबल तो परमिबिलिटी जीरो हो गई यहां पे और एक्वीफ्यूज नाइदर पोरस परमीएबल ठीक है पोरस एंड परमीएबल एक्वी फॉर पोरस एंड लेस परमीएबल एक्वी टार्ड पोरस बट नॉट परमीएबल एक्वी क्लूड और एक्वी फ्यूज नाइदर पोरस नॉर परमीएबल ठीक है समझ में आया इसका मतलब क्या इसका मतलब है कि ये जो सॉयल है इसके अंदर पोर्स तो है और वो परमिट भी कर रहा है अपने अंदर से अच्छे से परमिट भी कर रहा है अच्छे से एक्वी टार्ड जो है पोर्स तो है मगर उतने अच्छे से परमिट नहीं कर रहा है कर तो रहा है मगर उतना अच्छे से कर भी नहीं रहा है कर भी रहा है उतने अच्छे से नहीं कर रहा है पोरस एंड नॉट परमीएबल मतलब वाटर को जाने ही नहीं देगा यहीं पर रुक जाने ही नहीं दूंगा है ना तो दिस इज पोरस बट नॉट परमिएबल अच्छा एक् नाइदर पोरस नॉट परमिएबल परमिबिलिटी तो सवाल ही नहीं पैदा होता पर पोरस भी नहीं है तो क्या ये सॉइल है ये सॉइल नहीं है दिस इज रॉक ये रॉक कब बन गया जब इसने पोरोसिटी को खत्म कर दिया जब इसने पोरोसिटी को खत्म कर दिया मैंने कहा ना पिछली बार कहा ना कि जब पोरोसिटी खत्म हो जाती है तो वो सॉइल नहीं रहता वो रॉक बन जाता है तो जब इसने कहा कि दिस दि इज नाइदर पोरस मतलब इसने जब पोरोसिटी को खत्म कर दिया तो ये सॉइल नहीं रहा ये क्या बन गया रॉक आई होप समझ में आया देख लो रेस कर देता हूं इसको कर देते हैं अभी एक इंपॉर्टेंट uh, चीज देखते हैं सोइल प्रेजेंट इन योर लाइफ जब तक आपके लाइफ में सोइल मैकेनिक्स है ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये आपको हमेशा काम में आएगी कामयागी मतलब uh, कामयागी का मतलब है आपको यूज करना पड़ेगा इसको आप चाहो या ना चाहो विच द डिफरेंस बिटवीन सैंड एंड क्ले क्ले सैंड वॉट इज द डिफरेंस एंड द पैरामीटर्स अच्छा इससे पहले सैंड और क्ले एक बार क्रिएट कर देते हैं देखो यार सपोज दिस इज अ अल और यहां पर भी सॉइल है विद द सेम डिमेंशन ठीक है ना जो सैंड है उसका जो साइज है वो कितना होता है सेवेंटी फाइव माइक्रोन्स टू फोर पॉइंट सेवन फाइव एम एम ठीक है ना और जो क्ले होता है उसका साइज कितना होता है अप टू टू माइक्रॉन्स हम्म टू माइक्रॉन्स है उसे कम मतलब या फिर अप टू टू माइक्रॉन्स एक ही बात है सॉरी कंसीडर करो अच्छा तो क्या है दिस इज टू माइक्रॉन्स दिस इज जो लीस्ट है विच इज सेवेंटी फाइव माइक्रोन जो सबसे छोटा पार्टिकल है सैंड का जैसे इज 75 माइक्रोन और ये जो है ये जो सबसे बड़ा पार्टिकल है क्ले का वो है 2 माइक्रोन है ना सो so, इसका जो सबसे बड़ा पार्टिकल है वो इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है उससे 37.5 टाइम्स बड़ा है ये इससे है ना 37.5 टाइम्स दिस इज इससे बड़ा है सेंड है ना सिंपल सटीफाई माइक्रोन तो सपोज करो कि ये कितना छोटा होगा एक मॉलिक्यूल इसका कितना छोटा होगा इतना छोटा होगा और सैंड के कितने बड़े होंगे है ना पर ये जो है कितना छोटा सा होगा इतना छोटा नहीं है इतना छोटा करते नहीं तो दिखेगा ही नहीं और ये जो है गलती कर दी इतना छोटा बना के जरा वेट कर जाओ क्योंकि जरूरी है ये पूरा कवर करना मेरे को अच्छा और एक चीज सपोज करो कि दिस इज फुटबॉल फुटबॉल दिस इज अ टेनिस बॉल दिस इज नो, दिस, दीज़ आर टेनिस बॉल्स एंड दीज आर फुटबॉल्स क्या होगा समझ में आएगा थोड़ी देर बाद समझ में आएगा जो पहला पैरामीटर है जो हम कंपेयर करेंगे वो है इन दोनों में से साइज ऑफ वर्ड्स साइज ऑफ वर्ड्स इसके वर्ड का साइज और इसके वर्ड का साइज़, इसका वर्ड का जो साइज है वो बिगर है इनके वर्ड्स के जो साइज हैं, वो छोटे हैं। दिस इज बिगर दीज आर स्मॉलर ठीक है ना दिस इज बिगर दिस आर स्मॉलर साइज ऑफ वर्ड्स वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स क्या लगता है आपको वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स जो है इसका वॉल्यूम ज्यादा है कि इसका वॉल्यूम ज्यादा है वर्ड्स का आई नो आपको लगेगा कि इन, इसका वॉल्यूम <laughs> जो है वॉइड्स का वो ज्यादा है इसका जो वॉल्यूम है वो कम है नहीं ऐसा नहीं है इनका जो वॉइड है इनका जो वर्ड्स का वॉल्यूम है वो ज्यादा है इसका कम है क्यों कम है क्योंकि अच्छा प्रोवाइडिंग द सेम वॉल्यूम ठीक है ना जब वॉल्यूम सेम है जब वॉल्यूम सेम है सॉइल का वॉल्यूम सेम है ये जो सॉइल है और ये जो सॉइल है दोनों सॉइल का वॉल्यूम जब सेम है तब ये जो कंपेरिजन हो रहे हैं तब कंपेरिजन हो रहे हैं ना इसमें यहां पे सेम वॉल्यूम पे कंपेरिजन हो रहा है सेम वॉल्यूम में हो रहा है ये और ये सेम है तो क्या होगा यहां पे आपको लग रहा है क्यों लग रहा है क्योंकि आपको वॉल्यूम ऑफ वर्ट ज्यादा दिख रहे हैं बड़े बड़े दिख रहे हैं ये देखो ना यहां ये आपका वॉइड खत्म हो जाता है यहां पे खत्म हो जाता है इतना मगर अगर मैं इनको कनेक्ट करता रहूं तो मेरे को कनेक्ट करता ही रहना पड़ेगा है ना यहां पे 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 यहां बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है जब प्रोवाइडिंग द सेम वॉल्यूम ये जो प्रोवाइडिंग सेम वॉल्यूम ऑफ सॉइल ये बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत कम होता है इसका जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम कम है इस सॉरी इसका जो वॉइड है उसका वॉल्यूम कम है इसका जो वॉइड है उसका वॉल्यूम ज्यादा है ऐसा ही होता है अगर आपको समझ में आया तो ठीक नहीं समझ में आए तो भगवान का आशीर्वाद है समझ के या? याद कर लो इसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है इसका जो वॉल्यूम है वो कम होता है प्रोवाइडिंग द सेम वॉल्यूम ऑफ द सॉइल ठीक है ना ठीक है थर्ड वन इज परमिएबिलिटी परमिबिलिटी क्या कहा मैंने के वाटर फ्लो कराने का क्या कहते हैं उसको वाटर फ्लो कराने का आ, रेस्ट्रिक्शन किसमें कम है मतलब कौन वाटर इजीली फ्लो करा पाएगा और कौन कम इजीली वाटर uh, जो है फ्लो कराएगा ऑब्वियसली ये ज्यादा अच्छे से वाटर फ्लो करेगा क्यों इसमें वॉइड्स के साइजेस ज्यादा है है ना इनमें वॉइड्स के साइज ज्यादा है तो ये क्या करेगा ज्यादा वॉइड्स सॉरी परमेबिलिटी ज्यादा करेगा अच्छा ये तो लिखा नहीं वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है इसका कम है दिस इज लेस वॉल्यूम ऑफ वॉइड दिस इज मोर हम्म अच्छा परमेबिलिटी द परमेबिलिटी हेयर इज मोर परिटी हेयर इज लेस क्यों क्योंकि वॉइड्स के वॉल्यूम कम है सॉरी uh, साइज कम है छोटे छोटे वॉइड्स हैं तो वाटर क्या करेगा यहां से अगर एंटर करेगा वाटर अगर यहां से एंटर करेगा तो पहले यहां पे जाएगा फिर यहां जाएगा यहां से यहां से यहां से बहुत प्रॉब्लम आती है वाटर को पास करने में फिर यहां से एंड एग्जिट करेगा अगर यहां पे जाएगा तो क्या करेगा ऐसे 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 चला जाएगा यहां पे क्या होता है ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है वाटर के पास यहां पे क्या है बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है तो इसमें परमेबिलिटी जो है वो लेस है। परमेबिलिटी जो है वो मोर है है ना फोर्थ वन इज पोरोसिटी का मतलब कितना ज्यादा वाइट है मैंने कहा यहां पे जो है अच्छा वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स मोर वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अगर ज्यादा है तो पोरोसिटी भी ज्यादा है लेस ठीक अच्छा। है अच्छा अब आता है टू कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी ठीक देखो ये आपका सॉइल है है ना और ये क्लेई सॉइल है क्लेई सॉइल अगर है तो इतना क्योंकि इसमें वॉल्यूम ऑफ वाइट ज्यादा है सब उस करो इतना इसमें सब उस करो इतना जो है इसमें वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है इतने ज्यादा इसमें वाइट्स हैं और इतना ही इसमें सॉलिड्स हैं तो कंप्रेसिबिलिटी कम अगर इसमें लोड अप्लाई किया तो कंप्रेस होने का प्रोबेबिलिटी इसमें इतना है इतना कंप्रेस होगा और इतना ही सॉलिड रह जाएगा ठीक है ना अगर यही मैं सैंड कंसीडर करूं तो इसमें क्योंकि वॉल्यूम कम है वॉइट का वॉल्यूम कम है इतना ही है इसमें अगर मैंने लोड अप्लाई किया तो इतना कम होगा और ये तो है ही ये जो है ये तो सॉलिड्स हैं है ना तो क्ले के अंदर इतना ज्यादा था तो इतना ज्यादा कंप्रेस हुआ और सैंड के अंदर था ही इतना वॉल्यूम तो इतना कम कंप्रेस हुआ तो कंप्रेसिबिलिटी किसमें ज्यादा होगी इसमें ज्यादा होगी क्ले में क्यों क्योंकि तो इसमें वॉल्यूम ऑफ वाइड ही ज्यादा है है ना तो यहां पे दिस इज मोर कंप्रेसिबिलिटी मोर क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइड इज मोर और कंप्रेसिबिलिटी इसमें में लेस क्यों क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइड इज लेस कम वॉल्यूम ऑफ वाइड है इसीलिए सो so, मेरे को पता है ज्यादातर को यहां पर कंफ्यूजन होता है वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अगर आपको समझ में आया कि यहां पे छोटे छोटे वॉल्यूम है मगर बहुत सारे वॉल्यूम हैं तो इसके कारण ये क्या होता है ना कि इसमें फिजिकली समझने में इसको प्रॉब्लम आती है ये वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स को इसमें प्रॉब्लम आती है एक इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप इसको ऐसे समझो कि जो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स हैं वो छोटे छोटे हैं मगर बहुत सारे हैं ये जो है ये बड़े बड़े हैं मगर बहुत कम है नंबर्स में कम है नंबर्स में बहुत सारे हैं, ठीक है ना इसीलिए इसका जो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है ये ज्यादा है और इसमें कम है एक प्रॉब्लम इसको आएगी और एक प्रॉब्लम इसको आएगी सरफेस एरिया बाकी तो सब सिंपल ही है पोरोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी परमिबिलिटी साइज ऑफ वर्ड सभी सेम इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आते है और इसमें अगर मैं पूरी कोशिश करूंगा सरफेस एरिया दिस इज फुटबॉल दीज आर टेनिस बॉल्स सपोज़ करो आपके पास एक बकेट है एक बकेट है आपके पास उसके अंदर आपने फुटबॉल इंसर्ट किए कितने फुटबॉल इंसर्ट कर पाओगे मैक्सिमम टू इतना अगर बकेट है तो मैक्सिमम जो है यहां पे एक यहां पे एक खत्म दो फुटबॉल और कंसीडर करो इसी बकेट में टेनिस बॉल्स भरे हुए हैं तो कितने सारे कर पाओगे इतने 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 बहुत सारे टेनिस बॉल्स मगर फुटबॉल बस दो तो अगर द सेम वॉल्यूम अगर इस बकेट को मैंने समझा और ये जो फुटबॉल और टेनिस बॉल्स हैं इनको अगर मैंने सॉइल के मॉलिक्यूल समझे तो क्ले में क्ले आर वॉट टेनिस बॉल्स तो क्ले में क्या होगा बहुत सारे हैं मगर सैंड सिर्फ दो ही है इस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉइल में ठीक है ना अब क्या ये जो ये जो आपका बकेट है इसमें जो दो सिर्फ फुटबॉल्स हैं उन फुटबॉल्स को आप निकालो ठीक है उनको फाड़ो फाड़ के वो जो स्वीयर बनेगा दो स्वीयर बनेंगे उसका आप जो है एरिया कैलकुलेट करो कि कितना एरिया है ठीक है ना उसका एरिया कितना है तो आपने कैलकुलेट करके उसका एरिया अलग से कैलकुलेट करके रख दिया अभी अब जो है क्ले का जो है बकेट उठाओ उसमें जितने भी सारे टेनिस बॉल्स हैं उन सबको बाहर निकालो टेनिस बॉल्स को फारो फार के हर एक टेनिस बॉल का जो एरिया है उसको आप कैलकुलेट करो और फिर उसको अलग जगह पर रखो यहाँ पे दो फुटबॉल्स का एरिया और यहां पे अप्रॉक्सीमेटली अबाउट कितने होंगे इतना ही अगर बकेट है टेनिस बॉल्स हैं इसमें ट्वेंटी फाइव थर्टी ट्वेंटी फाइव थर्टी टेनिस बॉल्स आ जाएंगे इसमें जहां पे दो फुटबॉल आ रहे हैं तो ट्वेंटी फाइव थर्टी टेनिस बॉल्स के क्योंकि छोटे हैं मगर उनका एरिया आप अगर निकालो तो देखोगे दिस इज मच मोर देन द दे सर्फेस एरिया ऑफ द फुटबॉल क्यों क्योंकि यहां पे बहुत सारे हैं यहां पे बहुत सारे टेनिस बॉल्स हैं यहां पे सिर्फ दो ही फुटबॉल है बड़े हैं सर्फेस एरिया बड़ा है मगर कम है क्योंकि ज्यादातर तो वर्ड ने खा लिया और इसमें क्या है क्योंकि छोटे छोटे हैं बहुत सारे एक साथ एडजस्ट हो सकते हैं तो क्या होगा एडजस्टमेंट क्योंकि ज्यादा है तो आप बहुत सारे टेनिस बॉल्स को उठा सकते हो और उसका सर्फेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हो तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि इसका सर्फेस एरिया ज्यादा होता है क्ले का टेनिस बॉल्स का क्ले का और फुटबॉल का या फिर सैंड का जो है आपका जो सर्वे एरिया वो कम होता है समझ में आया ना सर्विस एरिया तो सर्फेस एरिया में भी प्रॉब्लम आती है सर्विस एरिया तो फिर क्या याद रखोगे फुटबॉल का जो है सर्विस एरिया क्या होता है कम होता है दिस इज लेस और जो है आपका क्ले uh, का या फिर टेनिस बॉल्स का जो सर्फेस एरिया होगा वो क्या होगा ज्यादा होगा दिस विल बी मोर ठीक है देख लो ठीक है देन कम्स सेटलमेंट देन कम्स सेटलमेंट सेटलमेंट क्या सेटलमेंट का मतलब क्या कि सेटलमेंट तो मैंने आपको बताया कंप्रेसिबिलिटी जो है कंप्रेसिबिलिटी इसमें कम क्यों है क्योंकि तो इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ही कम है है ना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ही कम है तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी कम है इसमें क्या है कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ही ज्यादा है तो उसी तरह सेटलमेंट क्या होगा इसमें सेटलमेंट कम होगा और इसमें सेटलमेंट ज्यादा होगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इसमें ज्यादा है और ये जो है इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो कम है देख लो आप हो गया ठीक है फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं <laughs> एक चीज मैं आपको अभी बता देता हूं वो है कि ये देखो टाइम वर्सेस सेटलमेंट सेटलमेंट मैंने उल्टा क्यों किया इसको ऊपर क्यों नहीं किया कि सेटलमेंट जो है मैं कर सकता था मगर आपको क्या ना फिजिकली फील नहीं आएगी ऐसा करूंगा ना तो आपको फील आएगी क्या फील आएगी कि देखो टाइम और सेटलमेंट मैंने क्या कहा कि सेटलमेंट किसमें ज्यादा है सेटलमेंट तो जो है वो क्ले में ज्यादा होगा और सैंड में कम होगा क्यों क्योंकि सैंड में वॉल्यूम ऑफ वाइट कम है क्ले में वॉल्यूम ऑफ वाइट ज्यादा है इसलिए सेटलमेंट इसमें ज्यादा होगा इसमें कम होगा मगर साइज ऑफ द वर्ड्स दिस इज सेटलमेंट ठीक है ना मगर साइज ऑफ द किस किसमें ज्यादा है सैंड में ज्यादा है क्ले में कम है, है ना क्ले में साइज ऑफ द वर्ड्स कम है और सैंड uh, में साइज ऑफ द वर्ड ज्यादा है तो सेटलमेंट फाइनली सैंड में कम है और क्ले में ज्यादा है बताना क्या चाहता हूं बताना यह चाहता हूं कि क्योंकि साइज ऑफ द वर्ड्स सैंड में बड़े बड़े हैं वर्ड्स ज्यादा बड़े बड़े वर्ड्स हैं इसमें सैंड के अंदर जब लोड आएगा ना तो ये जो वर्ड्स हैं

फिर नीचे 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 क्योंकि छोटे छोटे हैं ना तो देर तो क्या होता है सेटलमेंट में टाइम लगता है समझे और ये जो सैंड है बड़े बड़े हैं फुटबॉल्स लोड आया ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा ये कम हो गया भाई लोड आ गया तू भी कम हो जा तो वो कम हो गया ये जो वर्ड्स हैं कंप्रेस हो गए कंप्रेस हो गए बड़े बड़े वर्ड्स बताना मैं ये चाहता हूं के दो फिगर देखो दो सॉइल है सैंड और क्ले ठीक है ना एक में टाइम कम लगता है टाइम कम लगता है मगर सेटलमेंट भी कम होता है कम सेटलमेंट होता है और एक सॉइल है टाइम ज्यादा लगता है मगर सेटलमेंट भी ज्यादा होता है आप सपोज करो कि कौन सा वाला सॉइल कौन सा है किसमें टाइम ज्यादा लगेगा सेटलमेंट कम होगा और किसमें सेटलमेंट तो ज्यादा होगा मगर टाइम भी ज्यादा लगेगा समझ में आया दिस इज क्ले एंड दिस इज सैंड ठीक है ना सैंड में जो है टाइम कम लग जाए टाइम कम लगता है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स बड़े हैं तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स बड़े हैं तो कंप्रेस किया तो एक साथ कम हो गए ठीक है ना तो कहीं टाइम कम लगता है मगर सेटलमेंट भी कम होता है क्यों फाइनली उसमें वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है ही तो कम वर्ड्स तो कम है तो होगा कितना है ना क्ले में टाइम ज्यादा लगता है ज्यादा टाइम लगता है क्यों टाइम ज्यादा लगता है छोटे छोटे वॉइड्स हैं कनेक्ट करने में फिर कंप्रेस करने में टाइम लग जाता है ठीक है ना इसमें क्ले में और सेटलमेंट भी ज्यादा होता है क्यों ज्यादा होता है क्योंकि तो एक्चुअली है ही तो ज्यादा ना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ही तो है ही तो ज्यादा टाइम तो लगेगा ही ठीक है ना याद रखो ये रिमूव कर देता हूं फिर ठीक है अब आते हैं कौन सा नंबर था थ्री शायद पोरोसिटी ठीक है पोरोसिटी पोरोसिटी मतलब क्या पोरोसिटी मतलब सबसे पहली चीज ये डिफाइंड होता है एन से ठीक है ना पोरोसिटी पोरोसिटी मतलब क्या पोरोसिटी मतलब वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द वॉल्यूम ऑफ अच्छा ये याद आ रहा है वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स वर्ड का वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ वट सॉलिड्स तो क्या होता था वॉइड रेशियो यहां पे क्या है वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल तो क्या है वो पोरोसिटी है ना वॉल्यूम ऑफ वॉयड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या है पोरोसिटी वॉल्यूम ऑफ वॉयड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है वॉयड रेशियो और दिस इज जनरली एक्सप्रेस इन परसेंटेज वो वाला क्या था फ्रैक्शन में जनरली रिप्रेजेंट करते थे और इसको परसेंटेज में ठीक है ना इसको मैं नहीं समझाऊंगा कि मतलब टाइम नहीं लूंगा कि वॉल्यूम ऑफ जो सॉइल है वॉल्यूम ऑफ दॉयल के रेस्पेक्ट में वो जो वॉल्यूम ऑफ वॉइट्स है वो कितना है सपोज करो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अगर यह हो जाए जीरो क्या वो सॉइल होगा क्या नहीं होगा सॉइल नहीं होगा ठीक है ना वो सॉइल नहीं होगा रॉक पिछली बार की तरह क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अगर जीरो हो जाए तो वॉइड्स ही उसमें नहीं है तो वो सॉइल कैसे होगा है ना तो दिस इज वॉट दिस इज रॉक जीरो टू हंड्रेड हां पॉसिबल ऑब्वियसली पॉसिबल एंड एवरीवेयर इट इज पॉसिबल हंड्रेड परसेंट मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉइल देर इज समच वॉल्यूम ऑफ सॉइल एंड देर इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइट यहां पर बोल रहे हैं हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट का मतलब क्या

कि जितना भी सॉइल है पूरा का पूरा आपका वॉइड्स ही है हो सकता है क्या नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता दैट इज एयर सिंपली या वाटर वहां पे सॉलिड ही नहीं है जितना भी सॉइल का प्रपोर्शन है उतना ही अगर आपका वाइट्स है तो वहां पे सॉलिड गए हैं सॉलिड पार्टिकल्स ही तो नहीं है दिस इज नॉट पॉसिबल समझ में आया ना क्यों नॉट पॉसिबल तो पूरा का पूरा सॉलिड पूरा का पूरा सॉइल कौन कंज्यूम करके बैठा है वर्ड्स तो हो नहीं सकता अगर हंड्रेड ही नहीं हो सकता तो ये कैसे होगा दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल समझ में आया देख लो आप ठीक है फिर इसके इज कर देता हूं ठीक है फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं hmm. फिर अगले और भी तीन चार डेफिनेशन है जो फिर अब हम क्या करेंगे फिर नेक्स्ट लेसन में देखेंगे ठीक है तो फिर ठीक है टेक केयर टाटा बाय बाय थैंक यू चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए शेयर कीजिए प्लीज और आपको अगर अच्छा लगे तो फिर और कुछ भी कुछ भी डाउट हो सॉयल मैकेनिक्स से तो आप पूछिए डेफिनेटली पूछिए जरूर आपका आंसर जो है मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की ठीक है ना ठीक है टेक केयर बाय बाय